हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? होप कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चल लोगों का रिव्यू का इंटरव्यू सभी होना बाकी है। अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई डाउट है स्टिल अपने मन में, क्वेरीज कुछ अगर मिल रही हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं जिसके बारे में आप कंफर्टेबल नहीं हुए हो, तो आप मुझसे आगे नीचे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो। बट जिन किसी का भी इंटरव्यू चल रहा है, मैं होप करता हूं आप लोग अपने इंटरव्यूज में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आ रहे होंगे और आप लोग के मार्क्स भी बहुत बेस्ट आएंगे, चिंता बिल्कुल भी मत करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि ये वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कुछ बताने वाला अलग से नहीं हूँ। आप ही लोगों ने जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं कमेंट सेक्शन में आके, उनमें से कुछ 8 to 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे और फिर मुझे लगा कि वो बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को उठाया। ये राउंड होने वाला है उस क्वेश्चन के आंसर्स का। बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस दूंगा जिसमें कि आप लोग के बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस अगर ऐसे कुछ होते हैं तो वो मैं आप लोग को अपने वीडियोस में सेपरेट वीडियोस में बना के दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सर जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो होगा आपका आरबीआई असिस्टेंट का, चूंकि लास्ट वीडियो था तो बहुत खुश हो गए। मतलब चलो यार, बहुत बड़ा चीज़ हम लोग को करना है, हम लोग को एक रास्ता दिख रहा है, एक एम दिख रहा है अपने लाइफ का कि ये हमें पाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप आरबीआई को एम कर रहे हो तो आपको अपने एफर्ट्स को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। इसे बहुत आसान आप मत समझिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको मेहनत भी उस हिसाब से करना होगा। आप सिंपली सोचो कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, तो कितना एफर्ट्स डालते हैं? अगर देखते हैं कि कोई उनसे अच्छी अगर मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी बॉडी बनाई हुई है, तो उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उसी तरह सेम एज दैट, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में कोई पासिंग मार्क्स तो ऐसा वाला नहीं होता है ना कि मतलब उसे बोर्ड्स हम लोग देते थे कि यार चलो इतने ले आएंगे तो फिर डिस्टिंक्शन हो जाएगा, टॉपर्स हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको एक दूसरे को मतलब कॉम्पीट करना है एक दूसरे से और फिर उनसे अच्छा परफॉर्म करके आपको मेरिट में आना है, राइट? तो इसके लिए आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए आपके मेरिट से, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके इसमें इन हो सको। तो उसके लिए आपको वर्क हार्ड ज़्यादा करना पड़ेगा ही, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट हो ही नहीं सकता है सर। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर सीट्स बहुत कम होते हैं, किसी ने पूछा कि बिहार में सीट कम होते हैं तो फिर क्या मैं बिहार से हूँ तो फिर मुझे भरना चाहिए, वहाँ तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सर, मैं बता देता हूँ, ये अपने मन से ख्याल बिल्कुल भी हटा दें कि सीट्स कम होने से आपका कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है या सीट्स ज़्यादा होने से कॉम्पिटिशन ईजी हो जाता है। नो सर, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपको बता देता हूँ। एक जनरल परसेप्शन होता है कि जब लोग सीट्स कम कहीं की देखते हैं तो भीड़ तो वहीं हट जाती है, होता है कि नहीं? देखा कहीं पे यार एक ही सीट है, मान लो 5 सीट है, 10 सीट है, यार तो यहाँ तो बहुत कम सीट है, कटअप बहुत ज़्यादा जाएगी, रिस्पेक्टिव ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, तो होता क्या है लोग चले जाते हैं बाकी बाहर सीट के पीछे। आरबीआई में क्या प्रॉब्लम होती है? एलपीटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग एलपीटी में इसमें हटते भी हैं। अगर आपको वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस नहीं पता है तो वो आपको नहीं सेलेक्ट करेंगे, उस राउंड में आपको बाहर कर देंगे। तो आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने स्टेट से भी रहो तो बेहतर रहेगा, या फिर उस लोकल लैंग्वेज के रीजनल लैंग्वेज को आप एक्वेंटेड रहो उससे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या सर, अगर आपकी प्रिपरेशन सही है ना सर, एक बात देखो कि कट ऑफ आप मोरलर्स देखो अधिकतर स्टेट्स के, मेजर स्टेट्स के आपके कट ऑफ लगभग एक ही जैसे होते, थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं। ठीक है, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो लमसम बात बता रहा हूँ, थोड़े आगे पीछे होते हैं, बट अदरवाइज कट ऑफ ज़्यादा ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर ऐसा होता कि किसी स्टेट का कट ऑफ होता मान लो 40 और किसी कट ऑफ होता किसी स्टेट का 80, तो यार समझ में आ रहा है बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब इन जनरल। अब आप देख लो कि कहीं का कट ऑफ है मान लो 85, कहीं का कट ऑफ है 79, किसी का कट ऑफ है 89, किसी का कट ऑफ है 83, किसी का कट ऑफ है 92, तो इससे क्या पता चल रहा है सर? ये नहीं पता चल रहा है कि उस स्टेट में भरते तो आपका कट ऑफ से मतलब कम मार्क्स था इसलिए आपको सिलेक्शन हो जाता, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से सिंपली पता चल रहा है कि यार कट ऑफ सोच लो 75 मार्क्स से ऊपर है, मतलब 1 आवर के टेस्ट में प्रीलिम्स हो रहा है, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो यार वो कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ था ही, उसके तो मार्क्स कट ऑफ ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, राइट? तो किसी भी आप स्टेट में जाओ, इससे आपका ये पता नहीं चला कि वहाँ के कट ऑफ कम है, कट ऑफ ज़्यादा है। आप बोलो थोड़ा कम ज़्यादा या थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा है, तो यही होता है इनफैक्ट। तो बहुत लोग सीट्स के पीछे भागते हैं तो समझ लो उनकी तैयारी हमें कमी होती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, लेकिन आप डर रहे हो, तो आप उस डर को जब तक नहीं जीतोगे ना तो आप बड़ा अपने लाइफ में नहीं कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर एक भी सीट रहे और आप में वो तैयारी की मतलब कैपेसिटी है कि आपने की है, तो आप फिर वो एक सीट में भी कॉम्पीट करोगे और आप सक्सेस पाओगे। ऐसा बहुत एग्जाम्पल्स हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया, क्योंकि अक्सर ना बहुत लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाया करते हैं। बहुत सारे ऐसे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हो कट ऑफ्स के, क्योंकि बिहार के किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं बता देता हूँ। अगर आप आरआरबीज़ के भी, आरआरबीज़ मतलब वो रेलवे वाले एक एग्जाम निकला था, तो वहाँ पे बिहार की वैकेंसी शायद मालदा डिवीज़न से आप देखे होंगे अगर, तो वो सीट्स बहुत कम हुआ करते थे और बहुत सारे पोस्ट भी नहीं थे, बट वहाँ की कट ऑफ वन ऑफ द लोवेस्ट कट ऑफ थी अमंग ऑल स्टेट्स। तो ये कैसे हुआ? सेम एज दैट सर,
सीट्स के पीछे लोग देखे, बाहर जहाँ चले गए दूसरे सीट्स के पीछे, और फिर पता चला कि वहाँ का ही कट ऑफ कम हो गया, जहाँ ज़्यादा थी वहाँ का थोड़ा ज़्यादा ही रहा। तो डोंट डू दैट, एक जनरल भीड़ से आप हटो, और भीड़ से नहीं भी हटो तो अपनी तैयारी पूरी करो। ज़रूरी ये होता है सर कि जैसे कि आप RBI को एम कर रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम कर रहे हो, सोचो कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी किसी के भी लाइफ में अगर वो इस एग्जाम को कम्प्लीट करता है। तो आप इसके लिए ये मत प्रिपेयर करो कि यार मुझे कट ऑफ अगर पिछले ईयर का लास्ट ईयर का था ना 75 था, 85 था, 92 था, तो मुझे बस इतने ले आऊंगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन टफ होंगी सबके लिए होंगी, कट ऑफ गिरेगा, क्वेश्चन इजी होंगी, मार्क्स फेच होंगे ज़्यादा तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएंगे। आप एकदम ऐसा प्रिपेयर करो इरेस्पेक्टिव ऑफ द कट ऑफ मतलब वाला क्राइटेरिया कि आपको 100% स्कोर करना है, उसके लिए आप अपना एफर्ट दो। मतलब चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीके हो, कुछ भी हो यार, मतलब कंप्यूटर कुछ भी पूछ लो, मैं ऐसा प्रिपरेशन रखूंगा कि मैं जरा सा भी मौका नहीं दूंगा। अगर इफ आई हैड स्लाइट चांस ऑल्सो देन आई विल पुट द नेल इन द कफिन एकदम राइट प्लेस पे, जिससे कि मुझे 100 में 100 मार्क्स आ सकें। एंड बैंकिंग एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपने फुल मार्क्स भी फेच कर लो, ठीक है। तो इसलिए आप इसके प्रति बहुत ज़्यादा अपने आपके एफर्ट्स को एकदम पुट ऑन करो। ये तो थी पहली क्वेश्चन, बहुत बड़ी हो गई। चलो दूसरे क्वेश्चन जल्दी से बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है कि सर IBACI को कंपेयर करिए RBI के साथ में, कि RBI असिस्टेंट बेहतर होगा या IBACI 2, या फिर IB वाली जॉब अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स बता देता हूँ, ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं होता है। IBACI जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्ज पर चलता है, तो वहाँ की पे स्केल, वहाँ की स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली अलग है। RBI की अगर बात कर रहे हो असिस्टेंट की, तो उसका एक अपना सिस्टम है, अपने सैलरी रिविजन्स का जैसे होता है, और बैंकर्स बैंक है ये, तो यहाँ का कंफर्टेबिलिटी वहाँ के कंफर्टेबिलिटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दोनों एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट मतलब एस्पेक्ट में जॉब है, तो दोनों अलग जगह पे। अदरवाइज अगर आप एक साउंड लाइफ चाहते हो, ट्रैवलिंग कम चाहते हो, ऑफिशियल वर्क चाहते हो, और एक चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक स्थिरता रहे, आपको कहीं बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाना पड़े, तो RBI को आप ऑफर कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। ऐसे IBACI भी अच्छी जॉब है, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, बट आपको एक कंफर्टेबिलिटी अगर ऑफिस वाली आप खोजते हो तो आप इधर प्रेफर करो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिल जाती है कि एक नॉर्मल लाइफ वहाँ पे सेटिस्फैक्टरीली जी सके, रह सके, और अपने एम्स को भी पूरा कर सके। इवन ये भी बताता हूँ, RBI में आपको अपने हायर स्टडीज़ के लिए भी मौका मिलता है, वहाँ दिया जाता है, इवन उसके रिइंबर्समेंट्स भी होती हैं। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे किसी ने पूछा था कि सर आप बताइए SBI J बेटर होगा, ये सेम एज दैट क्वेश्चन है कि NICL असिस्टेंट होगा। तो सर फिर यहाँ पे बताना चाहूँगा, दोनों PSUs में, एक बैंकिंग सेक्टर में, एक इंश्योरेंस सेक्टर में, दोनों अपने अपने जगह पे टॉप पर हैं, लीड कर रहे हैं। बैंक अगर जनरल बैंक में देखोगे, नेशनलाइज बैंक में देखोगे, इन सब में देखोगे, तो देर इज नो अल्टरनेट फॉर SBI, SBI इज ऑन द टॉप, मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। फिर इंश्योरेंस सेक्टर में जाओगे तो उधर देखोगे तो NICL अपनी जगह पे एकदम टॉप पर लीड कर रहा है। दोनों के वर्किंग कल्चर में आओगे तो कुछ डिफरेंसेस आपको भले मिलेंगे देखने के लिए, बट जो एक्सपोजर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में मिलता है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, जो प्रमोशंस आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में मिलते हैं वो सर आपको कहीं पे नहीं उतने अच्छे से मिलेंगे, हायर लेवल्स तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप SBI JA से आप SBI TU कब बनोगे, SBI PU कब बनोगे, या फिर NISSL से AA या AO कब बनोगे, उसके ऊपर भी सोचो ना यार, लाइफ को इतना छोटा सोच बना के मत स्टॉप कर दो कि मुझे एक प्रमोशन के लिए कितना टाइम लग रहा है। आप देखो कि एक बैंकर अगर ज्वाइन करता है क्लरिकल कैडर में भी अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ एजुकेटिव लाइफ में, तो वो कहाँ पे जा सकता है? स्केल 6-7 तक वो इजी भी जा सकता है, अगर उसमें मेरिट है तो वो जरूर जाएगा। आज के डेट में इतने प्रमोशंस हैं, तो क्या इंश्योरेंस वाले उतने अच्छे से प्रमोट हो पाते हैं, उतने प्रमोशंस मिल पाते हैं? आप इसे कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज नथिंग एल्स कि मुझे उसके बारे में आपको और समझाना पड़े, ये बहुत जरूरी थी आपकी समझने वाली चीज़। अदरवाइज अब आप इसमें अगर आप आ जाओगे तो यहाँ भी आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। वर्किंग स्टेजेस जो आपके स्टार्टिंग डेज में होते हैं, बैंकिंग में शुरू में काम थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे उस हिसाब से आपको थोड़ा काम कम रहता है। तो मैंने अपने शुरुआती वीडियोस में हर हमेशा आप लोग को एक बात कही है कि अगर यंगर जनरेशन काम करने से घबराएंगे तो फिर काम कौन करेगा, पहले ही बोला था, और हम लोग काम करने के लिए ही इस सेक्टर को चूज़ किए हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक रिलेवेंट आपका कंपैरिजन ये भी नहीं होता है, बट अगर आप तो भी कंपेयर करने कहते हो तो मैंने दोनों प्रोस्पेक्ट्स आपको बता दिए, इसलिए इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। सर आपका जिसमें हुआ, आपको जो प्रेफर लगता है, अपने क्राइटेरियाज को सोच लो, फिल्टर कर लो, और फिर उसमें आगे परस्यू करो, राइट। चलिए अब देता हूँ डाउट नंबर 4। सर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि IBPS क्लर्क के बारे में बताइए। तो सर बता देता हूँ, IBPS क्लर्क भी बहुत अच्छा जॉब है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको कौन सा बैंक मिल रहा है, क्योंकि जिस समय आप अपने एग्जाम्स देते हो तो आप तो अपने प्रेफरेंसेस दे देते हो, तो प्रेफरेंसेस दे देते हो तो आपको ये तो नहीं पता हो रहा है ना कि उस समय आपको कौन सा बैंक मिल रहा है। तो जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि IBPS क्लर्क के बारे में बताइए, तो मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगा कि सर आपको किसी अगर पर्टिकुलर बैंक के बारे में जानना है तो आप उसके बारे में मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप सिंपली IBPS क्लर्क के बारे में बताओगे तो IBPS क्लर्क करके कोई बैंक नहीं होती है ना, वो तो आपको डिपेंड करेगा कौन बैंक मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि IBPS क्लर्क बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपको IBPS क्लर्क के साथ कोई ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपको IBPS क्लर्क के कुछ टॉप बैंक्स मिलते हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया,
जितने भी टॉप लीडिंग बैंक्स में अगर आप ले लो, किसी को भी, यूनियन बैंक को ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लो, पीएनबी को ले लो, कैनरा को ले लो, सेंट्रल को ले लो, यूनियन को ले लो, इन तरह के बैंक्स को अगर ले लो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है आपको, आप उसमें इजी वे में कंटिन्यू परस्यू कर सकते हो। छोटे बैंक्स में कॉर्पोरेशन बैंक और इंटर बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं। आप ये देखो कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होती है, आपको मॉनेटरी नीड्स कैसे हैं और आपका फ्यूचर एम कैसा है। बेसिकली इन तीन क्राइटेरियाज को अगर आप फिल्टर करके आगे बढ़ोगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसके बाद देता हूँ एक और आपको क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा है कि सर इंट्रोडक्शन में लैंग्वेज क्या रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। सर बेसिकली ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जरूरी नहीं होता है कि आपसे पूछा ही जाए, राइट? वो अगर पूछते हैं तो आपको बोलना है। मैंने आपको हमेशा से कहा क्या कि अगर आपसे पूछा जाता है कि यार अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है, तो अगर वो मोड ऑफ लैंग्वेज उस समय हिंदी में रख रहे हैं तो यू हैव टू से इन हिंदी, ओके? उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। बट अगर वो आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो फिर आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में बिल्कुल जवाब दो उनका। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो तो क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सर कि अगर आपको उस समय लगता है कि आप इंग्लिश में अपने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दे सकते हो तो कोई बुराई नहीं है, बहुत पोलाइटली प्यारी सी स्माइल के साथ सर से बोलिए, सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? तो ये रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर मत देना उन्हें, सर हिंदी में बोलूँ क्या, ये मत बोल देना, ये ऑर्डर हो जाएगा, आपको रिक्वेस्ट करनी है। तो आप पूछना, बोलना सर मे आई स्पीक इन हिंदी, या फिर आप क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, वो आपको परमिट करेंगे और आप फिर हिंदी में कंटिन्यू करना, ठीक है। बेसिकली एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत कम ही टाइम से ऐसा देखा जाता है कि कुछ अपने बारे में भाई बताइए इंटरव्यू में घुसने के बाद, आपसे इंटरव्यू से इस तरह से पूछें, नहीं होता है वो। जनरली आपसे अगर आपके इंट्रोडक्शन को सुनना चाह रहे होंगे तो वो क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत लोगों ने ग्रेड बी के बारे में पूछा है, राइट? तो आरबीआई ग्रेड बी सर मेरे हिसाब से इस जॉब को तो मतलब अगर आपको अगर मिल गई है तो समझ लो आपकी लाइफ पूरी तरह से सेटल हो चुकी है, आप अपने लाइफ में अपने टॉप नॉच पे आ चुके हो, अब बस यूपीएससी है। अगर वो नहीं भी होती है तो वो भी कहीं से इससे कम नहीं है, ठीक है, ये उससे कहीं से कम नहीं है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कुछ लोगों ने पूछा है, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं आप लोग को आने वाले डेज में दे दूंगा सर। अब प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है सर, तो 6 months to 1 year अगर आप डेडिकेटेड स्टडी करते हो, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर जिसके सुने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कि बैंक में आने के बाद क्या आरबीआई ग्रेड बी या फिर एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी निकाला जा सकता है, और अगर निकाला जा सकता है तो कितने टाइम में या कैसे, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो, मैं डाल दूंगा ऊपर में आई बटन में, आप देख लेना, चेक कर लेना, मैं वहाँ पे उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो ये जवाब था आप लोग के लिए ग्रेड बी के लिए, उसके भी वीडियो मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि जैसे कि आरबीआई है और आईबीपीएस बैंक है, एसबीआई है, ये सब है आईबीपीएस के बैंक्स है, तो कुछ बैंक्स और बच जाते हैं जो मैंने अपने वीडियोस में कभी कभी आप लोगों को बोला है कि टॉप एपेक्स बैंक्स जो भी हुए, नबार्ड, सेबी, सिडबी, ईसीजीसी, एक्जिम, इस तरह के जो भी बैंक्स हैं ये कैसे रहेंगे? तो सर बता देता हूँ, ये बैंक एज इक्वेलेंट टू आरबीआई रहते हैं, इनका भी फंक्शन मोर लेस वैसे ही चलता है, इनमें भी ग्रेड ए ग्रेड बी करके हैं, इसमें भी आपको जॉब मिलती है, पोस्टिंग मतलब जॉब मिलती है, आपकी रैंकिंग वैसे ही होती है, आपका कैडर वैसे ही सेट होता है, तो ये भी एज इक्वेलेंट टू, चूंकि अपेक्स बैंक मैंने बोला है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप कंपेरिजन के तौर पर बोलना चाहो तो आरबीआई तो सबसे ऊपर है सर, उसको तो कंपेयर करो ही मत करो, ठीक है। बाकी अगर किसी बैंक से करते हो तो इतना बताया तो चाहे नाबार्ड रहे, चाहे आपके सेबी रहे, सिडबी रहे, जो भी रहे, ये भी फार अहेड है किनसे, नॉर्मल नेशनलाइज बैंक से, एसबीआई से। एसबीआई के साथ एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल ये है कि सर एसबीआई नेशनलाइज और इस तरह के बैंकों में जो है ना वो टॉप पर है, मतलब वो बादशाह है अकेला, मतलब ही इज द किंग, ठीक है। तो इस तरह से बैंक का कंपेरिजन मत करना। अगर आप इस तरह से कंपेयर करते हो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो मुझे स्केल टू मिल रहा है किसी में, ठीक है, राइट, इसको इस तरह से समझना, किसी को आरआरबी में स्केल टू मिल रहा है, किसी को आईटी ऑफिसर में स्केल टू मिल रहा है, और फिर किसी को यहाँ पे सेबी मिल जा रहा है, ओके, ये हुआ कंपैरिजन इस तरह से। तो वो किसको चूज कर सकता है सर? वहाँ पे भी मैं बोलूँगा वो सेबी को चूज कर सकता है, ठीक है, क्लियर है आप लोग को? बहुत लोगों ने एसएससी के बारे में भी पूछा है, तो सर बता देता हूँ, कैंसिलेशन हो कैंसिलेशन नहीं हो इस पर कमेंट करना, मुझे लगता है कि आज के डेट में जहाँ पे डिसीजंस अभी कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो करना बेवकूफ़ी होगी। बस इतना कहूँगा, मोटिवेटेड रहिए, आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटी रहती है जैसी भी रहती है उसको फेस करिए, उसको दीजिए, पॉजिटिव रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव रहता है किसी भी मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे थिंग्स उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियाँ वैसी नहीं हो रही हैं उसके चाहने के बावजूद भी, तो अपने आप को डिमोटिवेट करके यू आर गोइंग टू गेट नथिंग, आप हमेशा खोगे ही खोगे। तो पाना अगर है तो आपको अपने नेगेटिव सिचुएशंस में भी, पेसिमिस्ट लोगों के बीच में भी आप ऑप्टिमिस्ट बन के रहो, लाइफ में पीछे नहीं रहोगे। तो फ्रेंड्स ये थे वो क्वेश्चंस जो आप लोग ने कंटिन्यूसली पूछे थे, जो मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। इस तरह के कुछ वीडियोस बीच बीच में मैं टाइम टू टाइम दे दिया करूँगा आप लोग के जो भी वैसे कोई डाउट्स होते हैं, तो आइए फिर पूछिए मुझसे, और मुझे ऐसा अगर कुछ लगता है तो मैं उन कमेंट्स को अपने वीडियोज़ में बिल्कुल शामिल करूँगा, रिप्लाई तो दे ही देता हूँ, उसके लिए वीडियोज़ भी बना दिया करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।